कश्मीर क्रम देखने वाले लाखों नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। बात करते हैं एक और दुखद खबर के साथ, हम आपको रूबरू कराते हैं। कल जिस तरह से तीन बच्चे सुंबल ब्रिज के नजदीक दरियाए जाने में नहा रहे थे, उनमें से दो जो है वो डूब गए, लेकिन तीसरा जब उन्हें बचाने गया था तो वो भी उसने उनके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन लगातार मुसलसल SDRF की टीम ने लगातार 18 घंटे की जुद्दोजहद के बाद आज जो है 11 बजे के करीब लाश को दरियाए जानिब से बाजियाब किया गया। फिलहाल लाश को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर मेडिकल लवाजमात पूरा करने के बाद लाश को लवाकिन के हवाले किया जाएगा। पहले आप विजुअल में देखिए किस तरह से जो है लाश को पानी से निकाल दिया गया और SDRF की टीम ने जुद्दोजहद करने के बाद, 18 घंटे की जुद्दोजहद करने के बाद लाश को पानी से बाजियाब किया गया है। देखा कि किस तरीके से जो है लाश को पानी से बाजियाब किया गया। 18 घंटे की जुद्दोजहद के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन जो सुंबल है, SDM सुंबल, तहसीलदार सुंबल, SDPO सुंबल, SHO सुंबल की लगातार कोशिशों के बाद जो जिस तरह से उन्होंने 18 घंटे की जुद्दोजहद के बाद लाश को पानी से निकाल दिया गया, अब लाश को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिस पर उसके बाद जो है मेडिकल लवाजमात पूरा करने के बाद लाश को लवाकिन के हवाले किया जाएगा। आप बने रहे मजीद खबरों के साथ कश्मीर क्राउन के।